दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर UK05 Vlogs पर। तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और आज सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम 10:30 बजे से। तो अभी हम हवाई पट्टी के यहाँ, आज हम जा रहे हैं कुछ नए लोकेशन पर घूमने। अभी हम चारों पांचों हैं यहाँ पर और लोग भी आ रहे हैं आगे से, उनको भी मिलाएंगे हम कौन कौन आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम? चंडा वाटरफॉल जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा हुआ है वहाँ माहौल कैसा हुआ है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलो आज की ट्रिप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये है उल्का देवी और ये चंडाक वाला रास्ता। हम 8 लोग जा रहे हैं और लोग पीछे से आ रहे हैं। देख पिथौरागढ़ का नजारा चंडाक से। स्टॉप हमने लिया चंडाक पर, यहाँ पर सामान ले रहे हैं खाने पीने का। यहाँ पे तो ले भी नहीं रहे हैं सामान, तो दुकान उधर है, दुकान से सामान वहाँ पे ले रहे हैं। भाई उधर जा मत कर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रास्ते में चंडाक से नीचे भाग गए, पीछे सब लोग चल रहे हैं। ये देख सकते हो 4 लोग आगे हैं और 4 लोग पीछे हम लोग। तो गाइस देख सकते हो रास्ता काफी सही है, रोड अगर आप लोग भी विजिट करना चाहते तो विजिट करें। रोड डामर वाली बढ़िया रास्ता है। आओ फटाफट से आप भी एक बार एंजॉय करो हमारे जैसे। ये देख सकते हो गाइस उड़ता पंछी लाइव देखो। चंडाक वाली रोड मारा और फिर मैंने वीडियो डाली है वहाँ पे से नीचे को कट जाना है। यहाँ पे पक्की रोड है, एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो फिर आपको ऊपर से कटने के बाद अंदर को रोड कटेगी जो की बुरमुड़ी को, ये है वो रोड। जैसे कि अभी हम यहाँ रास्ते में पहुँच गए हैं, यहाँ पे तक है बस रोड, यहाँ पे तक है आपका गाड़ी का और उसके बाद है नीचे को। यहाँ पे से नीचे पे से है आपका चलने वाला रास्ता, यहाँ से वाटरफॉल नीचे साइड पे है थोड़ा, उन लोगों को भी आन देते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। वो लोग जैसे पहुँचते हैं, हम दोनों पहुँच गए अभी, तो जैसे वो लोग आते हैं फिर चलते हैं नीचे को, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सब लोग आ गए हैं और चलते हैं नीचे को। नदी पार कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या रोड से नीचे तो आ गए, उसके बाद यहाँ पर छोटी सी नदी टाइप की है, इसको पार करना पड़ती है जो कि ये कर रहे हैं पार। और यहाँ पर पानी पी रहे हैं अभी लोग, पानी भी यहाँ पर दारा इसको पानी भी यहाँ पर बढ़िया पानी।
कट कट रहे हैं। यहाँ पर हमारा चालान कट गया, चालान तो नहीं, नीचे वाटरफॉल जाने का टिकट भी है जो कि है हम 8 जनों का 240 रुपये का टिकट है। ये सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आप जैसे रोड से नीचे को आओगे यहाँ पर टिकट कटेगा। और ये रास्ता है यहाँ पर से। तो गाइस नीचे को रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता है, फिसलन वाला है, यहाँ पे तक सीमेंटेड है थोड़ा। सही कह रहा है भाई तू, उसके गाइस बहुत कष्ट भरा रास्ता है। तगड़ा ये ट्रैक कर रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है। रास्ता देख सकते हो, रास्ता काफी खराब है। और आप लोग यहाँ पर आते हो तो कूड़ा मत डालो यहाँ पर, ये काफी कूड़ा फेंक रखा है नीचे। ये देखो कैसा रास्ता है, यहाँ पर रस्सी पकड़ के जानी पड़ती है। जागेश्वर धाम की याद आ गई मुझे। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो थोड़ा आप लोगों से अपील है कि जो खाते हो कूड़ा करकट ना करें। इतनी सुंदर जगह पर ये रस्सी पकड़ के नीचे को जाना पड़ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं जो चल नहीं पाता है उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल ही है यहाँ पर रास्ता, फिसलन वाला। और यहाँ से शॉर्टकट वाला रास्ता है जो कि ये कह रहे हैं। और रास्ता तो काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, मिट्टी वाला ऊपर तक थोड़ा सीमेंटेड है। अगर यहाँ पर थोड़ा रास्ता सीमेंटेड हो जाए तो पूरा सही है, बस एक रास्ते की दिक्कत है यहाँ पर। बस अपील है जो भी भुरमुड़ी वाटरफॉल वाले यहाँ कमेटी वाले देख रहे हैं उनसे रास्ता बनाने का फील है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आएंगे और काफ़ी फेमस हो चुका है लॉकडाउन के टाइम से। और रास्ता दिखाऊंगा आपको, वन मिस्टेक गेम ओवर वाला रास्ता है यहाँ पर, देख सकते हो। तो रास्ता देखो नीचे, सावधानी आराम से आए जो भी आएगा यहाँ। अपील है पहले वीडियो देख लें, और जो चल नहीं पाता है उनके लिए तो खतरा है यहाँ पर, बहुत ख़राब रास्ता है। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस रास्तों से बहुत गुजर चुका हूँ क्योंकि मैं मुंशियारी में हूँ, वहाँ ऐसे रास्ते मुझे हर जगह दिखते हैं तो मुझे आदत है। थैंक यू। खतरा बड़ा रास्ता है, मैं एक बार गर्ल्स के साथ ये ट्रैवल कर चुका हूँ तो मुझे बहुत अनुभव है। और ये देख सकते हो रास्ता किस जगह पे कैसे काट के बना रखा है। ना आएगा जूता पहन के आएगा, वो भी फिसलन वाला नहीं है, फिसलन वाला जूता पहन के आएंगे। तो ये काफी जंगलों के बीच पर है यहाँ पर, लोकेशन देख सकते हो, वाटरफॉल अभी थोड़े ऊपर साइड को है। गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं वाटरफॉल जो कि जस्ट हमारे सामने पर है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी शायद, अब वाटरफॉल पर आवाज़ ना आए। और ये यहाँ पर से थोड़ा सीमेंटेड रास्ता है और लोग सब आगे को चले गए, हम आराम से पीछे वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। ये रहा मजा आ रहा है नहा धो के अभी खाने लग गया और फोटो शूट होने लग गया यहाँ पर। गाइस नहा धो के सब आ चुके हैं यहाँ पर और अभी काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पर, काफ़ी लोग आ चुके हैं सामने देख सकते हो, और धूप भी आ गई। तो गाइस हम नीचे से आ गए हैं भुरमुड़ी से और यहाँ पर सब थक गए हैं, सब बैठ रहे हैं यहाँ पर। ये गाइस बहुत थकान लग गई तो, और बैटरी भी नहीं है, ऊपर जाते हैं थोड़ा खाना पीना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइस पानी पिला दो, राखी बॉटल भेज दे। गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, हम घर से ही बना के आए थे। कहाँ जा रहे हो? अब हमारा लंच हो रहा है गाइस, देखो हमारी वैरायटी क्या क्या है। पैर मत दिखा यार। मैं कैसे बैठूं? वाटरफॉल से तो हम आ गए हैं, अब यहाँ पर हम घर से खाना पीना ला रखे हैं, यहाँ पर खाना पीना खाते हैं, थोड़े टॉप पर आ रखे हैं।
फाइनली गाइज हम घूम घाम के सब आ चुके हैं और मेरा फोन हो चुका था ऑफ, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। उसके बाद खाने के बाद खाने की भी थोड़ी क्लिप डाली। तो अभी बज रहे हैं रात के आठ बज रहे हैं रात के, तो मैंने चार्ज लगाया घर आके, लेट ही हो गए थे वैसे, थोड़ी देर वहाँ बैठे इंजॉय करा, काफ़ी अच्छा व्यू था आपका। एक बार आप लोग भी विजिट करो वहाँ पर, अभी तक विजिट नहीं करा है तो बस थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम है, वैसे ठीक था रास्ता भी, उतना ख़राब नहीं था। तो फटाफट से आप लोग भी अभी तक नहीं गए हो तो पिथौरागढ़ की उस लोकेशन पर, अगर आप पिथौरागढ़ से हो या पिथौरागढ़ से बाहर से हो तो फटाफट से एक बार जाओ। 30 रुपये एक जने का टिकट है बस। तो ये था, इतना ही था आज का ब्लॉग, जितना हो सकता था उतना हमने बनाया। तो पानी भी आ रहा था आगे से, फ़ोन पूरा भीग जा रहा था, जितना हो सकता था उतना दिखाया आपको। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बाय।